जय सुवृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े बड़े ताली दिए पृथ्वी पर। महाराज मोर अपने बेटे के शिष्य पधारे को चला दिया, लेकिन वचन को खाली जाने नहीं दिया। जिनको अपने धर्म से प्रेम है, अपने वतन से प्रेम है, जहां को गवा देंगे पर वचन को खाली जाने नहीं देंगे। एक बात और बता दें, राजा मौरध बड़े ही दानी और प्रतापी राजा थे। राजा मौरध के रानी का नाम था महारानी सुलक्षणा, एक बेटा था जिसका नाम था रतन कुमार। राजा का रोज का नियम था कि तब तक द्वारे पर कोई महात्मा नहीं आता, जब तक किसी महात्मा को भोजन नहीं कराते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। ध्यान देंगे, भगवान ने मौरध ध्वज की परीक्षा क्यों लिया? भगवान ने मौरध ध्वज की परीक्षा क्यों लिया? कारण यह था कि जब चक्रव्यूह की रचना किया, लक्ष्मी जी की तरफ से घेरा मुद्रा भगवान की चरणों में दान आए, घेरा मुद्रा पीहू जी की तरफ से दान आए हैं भगवान कल्याण करें। बीस मुद्रा ननकुदाई की तरफ से दान आए हैं भगवान कल्याण करें, जीवन मंगल में हो। तो ये ध्यान देंगे, भगवान ने मौरध्वज की परीक्षा क्यों लिया? कारण ये था, जब कौरव ने चक्रव्यूह की रचना किया, उस चक्रव्यूह की रचना में उस समय पांचों पांडव घर पर नहीं थे। जब कौरव ने चक्रव्यूह की रचना किया, पांडवों को ललकारा, अभिमन्यु ने ललकार को सुना, ललकार को सुन करके सहन नहीं कर सका, चक्रव्यूह की रचना में गया। उस चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु सात द्वार को तोड़ करके अंदर जाता है। सात द्वार अभिमन्यु ने तोड़ दिए, छह द्वार, लेकिन सातवां द्वार को उसे नहीं मालूम था। जब छह द्वार तोड़ करके अंदर गया, सातवें द्वार पर पहुंचा तो सातवें द्वार पर अभिमन्यु फंस गया। धोखे से जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु मारा गया। पांचों पांडव जब वापस आए, सुना मेरा बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में मारा गया, तो अर्जुन रोने लगे। भगवान ने समझाया, रो मत, ये दुनिया आनी और जानी है, किसी को आज जाना है तो किसी को कल जाना है। आपका बेटा युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, वीर गति को प्राप्त हुआ, आपका बेटा अमृत को प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी अर्जुन करुणा बंद नहीं हुआ। भगवान ने अर्जुन को खूब समझाया पर अर्जुन के समझ में नहीं आया, मोह नहीं टूटा। भगवान ने कहा, चलिए तुम्हें दिखाते हैं कैसे कैसे दानी लोग पृथ्वी पर हुए, जो धर्म के नाम पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ध्यान देंगे, आज अर्जुन का मोह दूर करने के लिए भगवान राजा मौरध्वज की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। यमराज को शेर बना लिया, अर्जुन और भगवान करेंगे दोनों महात्मा बन गए और चले हैं मौरध्वज की परीक्षा लेने के लिए। बड़ा भयानक सिंह में शेर है, भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं, और जैसे महाराज मौरध्वज की नगरी में पहुंचे, गांव के लोगों ने देखा, हे संत भगवान कैसे आना हुआ, बड़ा भयानक संग में शेर ले हो, अगर किसी के ऊपर हमला कर देगा तो। भगवान ने कहा, मेरा शेर बड़ा सीधा शेर किसी के ऊपर हमला नहीं करता। अच्छा ये बताओ, आपके महाराज मौरध्वज का मैंने बहुत नाम सुना है कि राजा बड़े दानी प्रतापी राजा है, राजा का महल कौन है? गांव के लोगों ने बताया, चलते चलते चले जाओ, ये जो ऊंची टाली दिखा रही महाराज मौरध्वज की। जैसे द्वारे पर पहुंचे, पहरेदार लगे हैं द्वारे पर,
ए भैया जब मैं महाराज से कहते कि दिमात्मा द्वारे पर आए हैं और तुम से मिलना चाहते हैं। नौकर ने कहा संत भगवान अगर कोई सेवा हो तो बताओ मैं ही सेवा कर देता हूं। एकदम से भगवान बोले दो टके का नौकर तू मेरी सेवा क्या करेगा, जब मैं महाराज से कहते कि दिमात्मा द्वारे पर मिलने आए हैं और तुमसे मिलना चाह रहे हैं। नौकरों ने राजा के राजा को सूचना सुनाई महाराज जो महात्मा द्वारे पर मिलने आए हैं वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। राजा बहुत खुश हो गए, चलो कोई आज संत भी द्वारे पर नहीं आया था, भगवान की कृपा से के बदले दो दो संत आ गए। राजा बड़े खुश होकर के द्वारे पर आए हैं। कहते हैं कि जिसको अपने धर्म से प्रेम है धन्य है राजा मार ध्वज, प्रेम जिसको है अपने धर्म से, प्रेम जिसको है अपने धर्म से वो सदा सिर कटाते रहे। देखो प्रेम जिसको है अपने धर्म